गाइस, देखा गया है कि अगर आप गूगल पर जाके एक बार सर्च करेंगे कि कितने इंडियंस में विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी है, तो सबसे पहला आंसर आपको मिलने वाला है 75%। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमारे इंडिया में आज के टाइम में इतनी ज़्यादा विटामिन डेफिशिएंसी होती है। नो डाउट हम फैट लॉस कर रहे हैं, मसल गेन कर रहे हैं, या हमारा कोई भी और गोल है, तो मैं आप सभी से के साथ ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि ये जो वीडियो होने वाली है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसे आप अपने बड़े और घर के सभी लोगों के साथ शेयर करें और सबके साथ देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो भी चीज़ें सजेस्ट करने वाला हूँ या जो भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, वो आपके फैट लॉस को तो बूस्टअप करेंगी ही, साथ में आपके घर में सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अप्रिशिएट भी करेंगी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान करेगा, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा, और हम करने वाले हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मैंने आज की वीडियो को तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहली, उन लोगों के लिए जिनका बजट काफ़ी टाइट है बट वो फैट लॉस करना चाहते हैं, तो कम पैसों में अच्छे से फैट लॉस के लिए आपको किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, और अगर आपका बजट थोड़ा सा मॉडरेट है और या फिर आप कोई एथलीट वाला बजट लेके चलते हैं, तो गाइस तीनों कैटेगरी को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रेड बटन है इसको हिट करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके आगे बेल आइकन है उसको ऑन करें, एंड वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि गाइज आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए। तो गाइज अब मैं सबसे पहली कैटेगरी लेने वाला हूँ, जो कि होगी हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बॉडी में फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इनका हम बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं कि हमको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए एंड कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। बट ये किसी को भी नहीं पता है कि हम कितना विटामिन लैक कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप सप्लीमेंट स्टोर से सप्लीमेंट्स के में विटामिन मिनरल नहीं खरीद रहे हैं, तो आप कैसे किसी भी केमिस्ट की शॉप पे जाके कम से कम बजट में ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो नंबर वन पे आएगी वो होगी एक नॉर्मल मल्टी विटामिन। मल्टी विटामिन आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे कोवाडेक्स या फिर बीका डेक्सामिन खरीद सकते हैं। इनकी पोटेंसी थोड़ी कम होती है, तो इसकी आपको दो कैप्सूल्स लेने चाहिए। सेकेंड चीज जो मैंने अपने स्टैक में ऐड किया हुआ है, विच इज विटामिन ई, इवियन 400। ये बेसिकली एक ऑयल सॉल्यूबल विटामिन है। आपको इसके लिए कैसे यूज़ करना है? आपको इसे करीब एक महीने यूज़ करना है, फिर इसको थोड़ा सा 10 दिन के लिए ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो पानी के थ्रू आपके निकल जाते हैं, आपके वेस्ट के थ्रू निकल जाते हैं, यूरिन के थ्रू। बट ऑयल सॉल्यूबल विटामिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इनको निकलने में, तो आप इसको ज़्यादा भी ना लें। और अगर आपको एक्ने वगैरह होते हैं तो आप इस कैप्सूल को पंचर करके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। थर्ड चीज़ मैंने अपने सप्लीमेंट में ऐड किया हुआ है, विटामिन डी। विटामिन डी क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि आप धूप ले लीजिए, या फिर आप नॉर्मली धूप में बैठ जाइए तो आपको विटामिन डी कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको मैं बता दूं कि इस टाइम की धूप में और जो ओल्ड एज में हमारा टाइम पीरियड निकल चुका है, उस टाइम की धूप में अब काफ़ी ज़्यादा अंतर हो चुका है, क्योंकि धूप में से अब यूवी रेज आती हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। तो आपको वो वाला विटामिन डी अब नहीं मिलने वाला, तो आपको अपनी डाइट में पर डे कम से कम 2000 IU विटामिन डी ऐड करना चाहिए, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को, आपकी बोन हेल्थ को और आपके ब्रेन फंक्शन को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखेगा। और आपके फैट लॉस में भी ध्यान रखें कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट विटामिन जो मैं ऐड करने वाला हूँ आप सभी के लिए, इट्स विटामिन सी, लिमसी। आप लिमसी आप लोगों ने कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा देखी होगी, और लिमसी जो है ये आपके इम्यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगी, और कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है तो आप पहले से ही उसको क्योर करके रख सकते हैं, और नो डाउट ये फैट लॉस में भी आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है।
नेक्स्ट चीज़, जब हम फैट लॉस करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी बॉडी में डेफिशिएंट होने लगती हैं, तो उसमें हमारे बोन्स का ख्याल रखने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो आप कैल्शियम एंड विटामिन K27, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन हैं जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आप नॉर्मल किसी भी सप्लीमेंट स्टोर से आप डिमांड कर सकते हैं कि हमें कैल्शियम, शेल कॉल HD के नाम से कैल्शियम आएगा एंड विटामिन K27, ये भी कैल्शियम के साथ ही होता है, तो इसको भी आपको ऐड करना चाहिए। गाइज, अब हमारा बजट टाइट है और हमको सोरनेस ज़्यादा होती है, तो हम रिकवरी कैसे करेंगे? रिकवरी के लिए आपको यूज़ करना है जिंक, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। जिंक, मैग्नीशियम बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी रिकवरी में। इनको आप सोने के पहले आप इसको ज़रूर यूज़ करें, और बाकी जो मैंने विटामिन्स बताए हैं ये आप पोस्ट वर्कआउट में यूज़ कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो आप बायोटिन ज़रूर यूज़ करें अपने लिए, तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आपका हेयर फॉल कम हो और आपकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। गाइज, ये सब चीज़ें आप नॉर्मली अपने घर में बड़े बुजुर्गों को भी बताएं, क्योंकि जो वो डेफिशिएंट में है सबसे ज़्यादा विटामिन डी, विटामिन B12 एंड मल्टीविटामिन, ये तीन चीज़ काफ़ी ज़्यादा विटामिन डेफिशिएंसी में रहते हैं लोग। तो प्लीज़ गाइज, जो भी, और अगर कोई आपको ज़्यादा सजेशन देता है तो आप उन्हें एक बार बोलें कि आप एक बार नज़दीकी किसी भी पैथोलॉजी पे जाके अपने टेस्ट करवाएं, फुल बॉडी टेस्ट। आप खुद देखेंगे गाइज कि ये सारी चीज़ें उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी में निकलती हैं, क्योंकि RDA ने खुद बताया है कि 75% इंडियंस जो हैं उनके लिए विटामिन डेफिशिएंसी है, क्योंकि अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं बाकी देशों से। तो गाइज, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो आगे से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग ये वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हों और अपनी हेल्थ और अपने हार्ट का ख्याल रखें। सेकेंड कैटेगरी जो मैंने रखी थी, थोड़ी सी एडवांस कैटेगरी होने वाली है, जो फैट लॉस में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं रिकमेंड करने वाला हूँ कोकोनट ऑयल। ये आपको 300 से 400 रुपए के बीच में Amazon में मिल जाएगा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो आप इसे, ये मेरे पास मैक्स केयर का है कोकोनट ऑयल, इसको आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये एक बार आपको हेल्दी फैट्स में ज़रूर काम आए। मैक्स केयर के आपको कोकोनट ऑयल को कैसे यूज़ करना है, इसको आप, अगर आप वे प्रोटीन यूज़ करते हैं तो वे प्रोटीन में आप इसको 15 ml तक डालें और आप उसके साथ इसे कंज्यूम करें, तो आपकी बॉडी में हेल्दी फैट्स एंड हेल्दी प्रोटीन दोनों एक ही टाइम में जाएगा। इसके साथ मैंने नेक्स्ट चीज़ रखी है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अगर आप इसके बारे में भी देखना चाहते हैं तो मैंने इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो के बाद आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को भी देख सकते हैं। एंड थर्ड इज़ अश्वगंधा। अश्वगंधा एक हर्ब है बेसिकली, जो आपके स्ट्रेस लेवल को भी डाउन करेगी एंड आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी काफ़ी बूस्ट अप करेगी, तो आपका फैट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली। जो थर्ड कैटेगरी मैंने रखी है वो एडवांस एथलीट्स के लिए रखी हुई है। जो एडवांस एथलीट हैं गाइस, वो यूज़ करें सबसे पहली चीज़ वे प्रोटीन, वे प्रोटीन के साथ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। प्री वर्कआउट क्यों हम लेंगे, ताकि हमारे स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड हमारे फोकस पे काम करे। प्री वर्कआउट पे भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड थर्ड, रिकवरी के लिए मैंने आप सभी को रिकमेंड करना है ग्लूटामिन। ग्लूटामिन बेसिक एसिड है, तो जो कि आपको लेना चाहिए एक बार, और आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छी रिकवरी उसमें देखने को मिलेगी। आप इसे वे प्रोटीन के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरी वीडियो, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड आगे भी शेयर करें किसी के साथ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे हमारे वेजिटेरियन भाइयों के लिए, और मेक श्योर कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। एंड हम इंस्टाग्राम पर भी हमारी फैमिली को आप बड़ा कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके साथ आप लोग मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें तो मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।